अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन डायरीज बाय सना साद। आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी मसूर की दाल की। तो 3 कप्स राइस और 1/2 कप मसूर की दाल ले लीजिए और कटी हुई प्याज, 1 big onion चॉप कर लीजिए, शाहजीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, 2 से 3 ग्रीन चिलीज, पुदीने के पत्ते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक भगोना लीजिए, उसमें तेल गरम कर लीजिए 2 टेबलस्पून। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे शाहजीरा, तेजपत्ता और दालचीनी। क्रैकल होने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे, जब क्रैकल की आवाज़ आना शुरू होती है जब अनियन डाल देंगे। प्याज को अच्छा गोल्डन होने तक भून लीजिए। प्याज गुलाबी होना शुरू हो गई है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, 1 teaspoon नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा गोल्डन होने देंगे प्याज को। थोड़ा सा गुलाबी हो गई, अभी ज़रा गोल्डन हुए तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गई प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे स्लेटेड ग्रीन चिलीज और पुदीने के पत्ते, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा सौते कर लीजिए सभी चीज़ों को, फ्लेम स्लो कर दीजिए प्याज वरना जल जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। खिचड़ी में थोड़ा ज़्यादा लगती है हल्दी, अच्छे से सौते कर लीजिए। सिम पे रख के करिए, हल्दी जल नहीं जाना वरना खिचड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो चावल हमने कितना लिया, 3 कप्स राइस और 1/2 कप मसूर की दाल ली है, तो उसके हिसाब से हम 3.5 कप्स है टोटल, 3 कप्स राइस और 1/2 कप मसूर की दाल, तो उसके हिसाब से हम लेंगे 7.5 कप वाटर डालेंगे इसमें। तो खरेरी खिचड़ी बनके तैयार होंगी। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट होना तो और 1/2 कप वाटर आप ऐड कर ले सकते हो। चलिए अब इसमें पानी ऐड करेंगे और बॉईल आने तक छोड़ देंगे। ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है खिचड़ी का। अब इसमें हम ये जो है पानी में भिगा के रखे थे ना दाल और चावल को, उसका पानी निथार के चावल और दाल को उसमें ऐड कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए। ये देखिए ऐड कर लिया अब हम चावल और दाल को। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन ढाँक के छोड़ दीजिए। पहले हाई फ्लेम पे रखिए, बॉईल आने के बाद खिचड़ी जब अच्छा खतखत खोलने लगती जब आप जो है मीडियम टू लो फ्लेम कर दीजिए। ये देखिए खिचड़ी में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया। फ्लेम हाई पे रखेंगे, जब इसमें छोटे छोटे से बबल्स, ये जो है बड़े बबल्स आ रहे हैं तो पानी ज्यादा है अभी। जब पानी कम हो जाता तो छोटे छोटे बबल्स आना शुरू होते, वो टाइम पे आपको सिम पे कर देना रहता, फ्लेम सिम करके पकाना। अभी तो हम हाई पे रखेंगे, ढक्कन ढाक के हाई पे रखेंगे 1-5 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए इस पॉइंट पे जब यहाँ पर सुराख आना शुरू हो जाएंगे और पानी एकदम ऊपर से छट जाएगा, पानी नहीं दिख रहा, वो टाइम पे हम इसको एकदम सिम पे करके दम पे रख देंगे। देखिए पानी बिल्कुल कम हो गया है, अब हम इसको सिम पे रख के छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्के हाथों से करेंगे, चावल टूटने नहीं चाहिए। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल के दम पे छोड़ देंगे, चावल जो है खुले खुले पकेंगे। ये देखिए मज़ेदार खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, ज़रूर बनाइएगा इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।